हेलो स्टूडेंट्स आज हम विटिक रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं उसका एग्जांपल उसकी रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म आज हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्किन्स बाय द ट्रीटमेंट ऑफ अल्डिहाइड्स और किटोन्स विथ अलक्डीन ट्राइफिनाइल फॉस्पोरेन और जनरल कॉल्ड एज फॉस्फोरेन इज नोन एज विटिक रिएक्शन दिस इज आवर फॉस्फोरेन दैट मीन्स अलक्लिडीन ट्राइफिनाइल ट्रीफिनाइल ग्रुप फॉस्फोरेन विथ दिस इज आवर कार्बनल कंपाउंड दैट इज सल्डेड और कीटोन, दिस इज बेन्ज ऑफ फिन इट गिव्स अल्किन एंड ट्राईफिनाइल फॉस्पोनियम ऑक्साइड सो इट इज कॉल्ड एज विटिक रिएक्शन तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते उसका मैकेनिज्म देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा फॉस्फोरिन जो है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होता है देखिए इधर इस फॉस्फोरिन का लाइक दिस So here, Ph three P plus and Ch two minus. This is our resonating phosphorine, which mechanism use in mechanism. So this is the mechanism. Here, negative charge attack on the carbonyl carbon, uh, like this. You can see here, like this. Then this bond is break and negative charges on the oxygen okay so here is the formation of betaine then the dipolar complex betaine decomposes to olefin and triphenyl oxide via 4 centered transition state here is like this there is formation of complex

नाइट्रोसो कंपाउंड पे अटैक करता है और इमाइन पे अटैक करता है तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी कि अलग अलग तरह के कंपाउंड जो हमें मिलते इट रिएक्ट इन द सेम मैनर विद द कार्बनल ग्रुप्स ऑफ केटीन्स आइसोसाइनेट नाइट्रोसो और इमाइन कंपाउंड सो हियर वी कैन सी दिस इज आवर फॉस्फोरिन दिस इज आवर केटीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस अलिन अलिन टाइप कंपाउंड टेक्स प्लेस मैकेनिज्म इज सेम हमने पहले देख, चुक, हम देख चुके हम पहले देख चुके हैं मैकेनिज्म सेम इसमें अप्लाई होता है यहाँ पे क्या होता है ये निगेटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है ये यह, यह, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है फिर वो निगेटिव चार्ज इधर अटैक करके हमारा अग, आगे का मैकेनिज्म कैरड आउट होकर अलीन का फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनेट भी आइसोसाइनेट में भी सेम होता है फिर नाइट्रोसन कंपाउंड में क्या होता है कि ये निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर अटैक करता है और निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और बाकी का भी सेम होता है और उसमें उसके बाद इमाइन में निगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करता है निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आता है और हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होता है अलकी ओके फर्स्ट एप्लीकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक मिथिलिन ग्रुप यानी कि साइकिल के बाहर मिथिलिन ग्रुप यानी कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ग्रुप आने इसे कहते मिथिलीन ग्रुप ओके सो हियर वी कैन सी हियर निगेटिव चार्ज अटैक ऑन दिल कार्बन ओके दिस हियर आवर निगेटिव चार्ज शिफ्ट देन आफ्टर देट निगेटिव चार्ज अटैक हियर एंड आफ्टर द फर्दर मैकेनिजम इट गीव मिथिलिन साइक्लोहेगजेन ओके एंड आवर ट्राइफोनाइल फॉस्मिनियम ऑक्साइड ओके then the second application is formation of large rings five to 16 carbons here if n is equal to the 5 to 16 that means 5 6 7 8 9 10 or 16 up to the 16 okay so intramolecular reaction takes place here intramolecular uh, this negative charge carbon attack here here our negative charge stabilizes. after that it attack here so the formation of uh, our रिंग टाइप स्ट्रक्चर एंड आफ्टर फर्दर रिएक्शन और रिअरेंजमेंट इट गीव फर्दर रिएशन इट गिवज आवर प्रोडक्ट विच इज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज रिंग सो रिंग फॉर्मेशन टेक्सप्लेस यॉर्मेशन ऑफ अलकीन ओके एंड अवर ट्राइफेनाइल फॉस्मिनियम ऑक्साइड ओके सो दिस इज द विटिक रिएक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग